जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कंबोडिया फ्नोम पेन जो इनका कैपिटल है उस एयरपोर्ट से अभी निकल के हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। बेस्ट सेंट्रल पॉइंट होटल हमारा जहाँ स्टे है। तो अभी कंबोडिया में हम अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन हो गए हैं जी माशाल्लाह। हम अभी एयरपोर्ट से निकल के मेन सड़क पर चढ़े हैं। कंबोडिया फ्नोम पेन इनका कैपिटल है। यहाँ पर टुक टुक मिलता है, टुक 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 वाला आया था, हमने अभी टुक टुक नहीं लिया, हम गाड़ी में बैठे हैं। ये इन्होंने अपने गाड़ी वाले ने भी अपना वो जो पूजा वाली देवी है वो सामने लगाई हुई है, गाड़ी में रखी हुई है, वो हाथ उठा के बैठी हुई है। यहाँ भी जी राइट हैंड ड्राइव है, वियतनाम में भी राइट हैंड थी, यहाँ भी राइट एंड राइट साइड पर है, मतलब लेफ्ट हैंड व्हीकल्स हैं यहाँ पर। फ्नोम पेन कंबोडिया अभी एंटर हुए तो हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे हम गुजरांवाला या लाहौर आ गए, बिल्कुल वैसा ही माहौल है, वैसे ही सिस्टम लग रहा है। हाँ लेकिन अभी आए हैं जी, अभी देखते हैं, बट अपेरेंटली ऐसे ही लग रहा है जैसे मतलब जो है ना वो आप ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग नजर आई है हमें। ये मेट्रो है मेन पर, अभी वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन लग रही है, नीचे काम हो रहा है, लेकिन काफी बड़ा मॉल है वो, ये अच्छा मॉल बन रहा है जी। किया मोटर्स का शोरूम एक नजर आया है, मस्ता का भी शोरूम है यहाँ पर। ये लगता है इनकी कोई मेन ई सड़क है, इतनी बड़ी सड़क नहीं है, लेकिन गाड़ी यहाँ पर जो है वो ये फोर्ड का भी आगे जो है वो शोरूम है जी। ये भी एक बिल्डिंग है, ये जी मित्सुबिशी का भी शोरूम यहाँ है। अच्छा नहीं ओडी का, अच्छा ओडी सिम काम कर रही है। ये लेफ्ट साइड पर भी ये कोई काफी बड़ा फेयरफील्ड बाई मैरियट के नाम से एक होटल नजर आ रहा है, फेयरफील्ड बाई मैरियट, काफी बड़ा टावर है। ले जी टावर्स नजर आना शुरू हो गए हैं, स्काई लाइन्स। तो ये नहीं जी माशाल्लाह, हम तो समझ रहे थे इसको गुजरांवाला लाहौर, लेकिन भाई नहीं, ये जबरदस्त है जी। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है जी। ये सामने हेलीपैड बना हुआ है जी बिल्डिंग पे, जिस तरह हुचीमेन में भी था, बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग है, भी हेलीपैड है टॉप पर, तो अच्छे टावर्स हैं जी यहाँ पर भी। देखें जी एक छोटा सा कोई हेड पीछे कॉलोनी है, उसकी वॉल पर ये बुद्धा के बुद्ध बने हुए हैं, बड़ा इन्होंने एशियन स्टाइल की वॉल बनाई हुई है। नहीं जी हम अपने होटल पहुंच गए हैं, बेस्ट सेंट्रल पॉइंट होटल। ये टुक टुक खड़ी है, ये टुक टुक जी। हम ये कंबोडिया फ्नोम पेन में हम एंटर हुए। ये वॉट लमक्यो इनका टेंपल है, यहाँ पर भी ये बने हुए हैं जी इनके बुत, और अंदर अगरबत्तियाँ लगी हुई हैं वही वाली, और वो वाला जो है वो सारा माँ। ये बाहर भी जी इन्होंने बुत बना के खड़े किए हुए हैं, ये पूरा एक सेटअप है। पैरेलल भी एक इसी तरह का टेंपल है, ये भी हम अभी देखते हैं। तो ये जनाब साइड पर भी अगर आप देखें तो ये
इसी तरह के ही सारे ये कुछ किया हुआ है। बहरहाल ये है कि चूंकि हम पहली दफ़ा निकले हैं बाहर इस तरह के जो मजहबी जो जहाँ से आप समझ लें कि हम भी इसी एरिया से निकल के जब सेपरेशन हुई तो यहाँ जब हम आते हैं तो हमें ये लगता है कि कुछ चीज़ें मजाहब की आपस में कुछ आपस में मिक्सअप हो गई हुई हैं। अब सही क्या है गलत क्या है ये अल्लाह जानता है, लेकिन ये कि बाहर यहाँ पर आकर वो जो मतलब बुत है और उसको उसी तरीके से पर चढ़ावे भी चढ़ रहे हैं, पैसे लोगों ने रखे हुए हैं, चीज़ें रखी हुई हैं, तो सेम वो जो कल्चर है वो हमें नज़र आया। नहीं जी, अब इस टेंपल में भी हम एंटर हुए हैं, काफ़ी बड़ा टेंपल लग रहा है। दिस इज़ ओनालोम टेंपल। जी ओनालोम टेंपल, ये जी इन्होंने भी यहाँ पर अपनी जो है वो मूर्तियाँ धड़ाधड़ लगाई हुई हैं। और बहरहाल इनका जी ये एक कॉन्सेप्ट है, अल्लाह बेहतर जानता है इसकी क्या हकीकत है, ज़्यादा हम मजहबी कमेंट नहीं कर सकते। ये लोग बहुत जब भी आते हैं तो प्रणाम वाली सूरत हाल जिस तरह हाथ जोड़कर तो उसको वेलकम कर लेते हैं। ये आप ऊपर देखें कितना बड़ा जी, हम माशाल्लाह इस टेंपल से निकले हैं और ये हम टुक टुक में बैठ गए जनाब। टुक टुक में हम कंबोडिया में प्रोम पेन में टुक टुक जनाब एंजॉय कर रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पर एक छोटी सी रिवर है, बड़ा खूबसूरत लैंडस्केप है। ये हमारी टुक टुक है जी, हम टुक टुक पे बैठ के अभी फ्नोम पेन की सैर करने निकले हैं। न्यू दिल्ली इंडियन रेस्टोरेंट पे आ गए हैं खाने के लिए, लंच करेंगे अभी। फ्नोम टेंपल पहुंच गए हैं। ये जनाब टेंपल्स ही टेंपल्स हैं सारा जी, बुद्ध मत जो हैं उनके लिए ये बेस्ट प्लेसेस उनकी यही हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तारीखी जो मामला आते हैं टेंपल्स के, ये जी कंबोडियन करेंसी है तो ये पड़ी है। और खुले आम बिल्कुल ओपन पड़ी है जी यहाँ पर, बात सही है। इत्थे फिनोम डोंग पेन दे नाम तो एक सेंचुरी बनाई सी, वो आहिस्ता आहिस्ता ये इर्द गिर्द फिर शहर फैलता गया, फिर वो फिनोम पेन रह गया। नहीं जी, अब हम टेंपल में एंटर हो रहे हैं, द हाईएस्ट प्लेस इन फिनोम। तो फिनोम सिटी जो है जो तारीख इसकी लिखी हुई है इसकी वजह से ही इसका नाम, इस टेंपल की वजह से इसका नाम फिनोम पड़ा। ये हम स्टेज चढ़ रहे हैं जी, यहाँ पर ढोल भी पड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा काफ़ी हाइट पर है जी टेंपल। तो ये लोग जी आप प्रणाम कर रहे हैं जी और अगरबत्तियां जला रहे हैं। ये यहाँ पर एहतराम में अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, ये साजिंदे बैठे हुए हैं तो ये अगरबत्तियों के लिए मोमबत्तियां भी जल रही हैं और मोमबत्तियां जो है उनसे अगरबत्तियां जला के तो ये जनाब देवी को प्रणाम किया जा रहा है। ये पैसे भी पड़े हुए हैं, चढ़ावे चढ़े हुए हैं, यहाँ भी चीज़ें हैं पैसे। तो ये लोग ये जनाब इनके जो बुद्धा हैं ये सो रहे हैं, सोने वाली फॉर्म में है, कहीं बैठने वाली फॉर्म में है। तो ये बहुत बड़ा टेंपल है जी वाकई।
इट्स तो ये लोग ये सब ये देखिए औरत जो है जी ये अगरबत्तियां जला रही है बैठ के ये प्रणाम कर रही है। ड्रम बीट का बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमें याद है हम जब छोटे होते थे हम भी दरबार पे जाते थे वहाँ ढोल पर जो है वो उसे कहते थे वो बाबा आ गया है जी आपको बाबी आ गई है तो वो फिर उस पर ढोल की थाप पर वो होता था, मुझे वो भूल गया है कुछ। हाँ औरतें जो हैं वो हाल खेलती थी, औरतें जो हैं हमारे यहाँ पहले ये कॉन्सेप्ट था शायद अभी भी हो तो मैं बहुत अरसे से नहीं गया लेकिन यह कि यहाँ पर देख के लगता है कि कुछ मज़ाहब में कुछ मिक्सिंग हुई है, एक दूसरे के कल्चर्स जो हैं वो कहीं ट्रांसफॉर्म हुए एक दूसरे में। यहाँ पे ये दीवे भी जल रहे हैं, दीवे बालने का जो कॉन्सेप्ट होता था दीये जलाने का वो भी बड़ा होता था। ये जनाब सजिंदे बैठे हुए तो ये भी सज बजा रहे थे, देखिए जी इन्होंने बड़ा एक अजीब सा यहाँ पर जो है ना वो बिल्डिंग में ये मूर्ति जो है या इनका जो वो बुद्धा है वो यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं। ये जी हमारे दोस्त पिक्चर्स बनवा रहे हैं, ये देखें जी बाहर भी अगर बत्तियां जल रही हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं दूसरे रास्ते से, हम पहले एक रास्ते से गए थे, काफी हाइट पर बनाया हुआ टेंपल है जी। ये भी जी साइड पर भी कोई टेंपल है छोटा सा, अब ये अल्लाह जानता है जी इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इस पर। ये रेड बैलून्स टाइप इन्होंने हैंग किए हुए, अंदर उसी तरीके से देवियां पड़ी हुई हैं और ये तमाम वही काम वर्शिप वाला। हम किंग पैलेस पहुंच गए हैं जी, ये कंबोडिया का पुराना जो पैलेस था जहाँ किंग रहता था ये उसका पैलेस है, उन्होंने पब्लिकली ओपन किया और $10 की एंट्री टिकट है पर पर्सन। अब अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह की चीज़ें पब्लिक को ओपन करने से ये कितना पैसा कमा रहे हैं जी। एवरी विजिटर्स रिक्वायर्ड टू बाई एन एंट्री टिकट, ऑल विजिटर्स मस्ट फॉलो द रूल्स एज बिलो, नॉट कैरी आर्म्स एंड एक्सप्लोर, डू नॉट वियर शूज इन साइड वर्शिप प्लेसेस, डू नॉट वियर हैट्स इन साइड द रॉयल पैलेस एंड द सिल्वर पगोडा, प्लीज ड्रेस अप्रोप्रिएटली, डू नॉट टेक फोटो वीडियोज ऑल ऑफ प्रोहिबिटेड एरियाज, ग्लास वगैरह वगैरह वगैरह। ये जनाब हम पैलेस में एंटर हो रहे हैं जी, ये जी पैलेस की एंट्री है, फॉरनर्स आर हियर, तो ये उनकी गाइड जो है उनको गाइड कर रही हैं। ये हम टिकट बाय करने लगे हैं जी पैलेस की। पैलेस में एंटर होते हैं जी आपको जगह जगह पर पूजा करते हुए ये मूर्तियां नज़र आ रही हैं। हम एक पैसेज है जिसमें से एंटर हो रहे हैं, ये बुद्धा से रिलेटेड कोई दरख्त है जी इसके बारे में ये गाइड बता रही है। ये जी पैलेस में हम एंटर हो गए, बड़ा खूबसूरत पैलेस बना हुआ है जी, ब्यूटीफुल पैलेस गोल्डन पैलेस। नहीं जी यहाँ पर देखें जी इन्होंने स्टेयर्स पर भी
एक बुत बनाए हुए हैं जिसमें स्नेक की कुछ शक्ल है। दोनों तरफ ये बड़े बड़े अजधा टाइप जो है ना ये लगे हुए हैं, और वहाँ पर ऊपर जो है वो उसी तरह से पिलर्स के ऊपर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये सिल्वर पगोडा है जी पैलेस के साथ, हम उसमें एंटर हो गए। सिल्वर पगोडा, इसमें भी वही तर्ज तामीर है। सिल्वर पगोडा में एंटर होते ही ये एक टेंपल है, इस पर भी वही मूर्तियां बनी हुई हैं चारों तरफ। पगोडा से हम बाहर निकला है, अंदर जो कि इसमें पिक्चर वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं थी, तो हमने फिर अंदर की कोई पिक्चर भी नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाई। ये सिल्वर पगोडा हमने भी विज़िट किया है, बहुत फॉरनर्स है। ये देखें जी, इन्होंने सिल्वर पगोडा के साइड पर, बहरहाल जी ये इनकी अपनी कोई वर्शिप है, देखते हैं अभी। देखें जी ये भी कोई टेंपल है, ये जंगल है, इसमें सीढ़ियाँ भी इन्होंने बंद किया हुआ है, ऊपर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं जी इन जो इनके टेंपल्स हैं पगोडा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। बहरहाल जी चूँकि ये इनका वो वर्शिप का सारा बहुत बड़ा टेंपल है जी, इसमें भी मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। ये भी एक फॉर्म है, किंग पैलेस। बस ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर गोल्ड ही गोल्ड है। अभी हमने एक मूर्ति देखी 90 kg गोल्ड से वो बनी हुई थी, जो आपको अभी हमने सिल्वर पगोडा दिखाया है। तो ब्यूटीफुल जनाब प्लेस है, बड़ा फॉरनर है। $10 इसकी टिकट रखी हुई है इन्होंने। रंजना दे चावान गुलाबी रंग दे, शरारता करा के लंग दे, कोशिशां ना दान ना नाराज हो रे, पायो ते तू इना को इशारा मंग दे, तेरी तेरा पापा ते ख्याल नू भी हुंदा शक वे, जदों कदे गुस्से च जतोना हक वे, रब तेरे सानू ता हैरान कर दे, अखां पा के वेखे जदों इक टक दे, आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की, मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात पी लेने दो। हम फ्नोम पेन कंबोडिया से रवाना हो रहे हैं जी। आज सुबह 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है बैंकॉक के लिए, फ्नोम पेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंबोडिया। तो
छोटा सा एयरपोर्ट है, ये कंबोडिया का कैपिटल है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। जी जहाज रनवे पे सीधा हो रहा है, का शहर है लेकिन कराची से काफ़ी छोटा है। हाई राइज है यहाँ पर, उसी तरीके का जो है एनवायरनमेंट है, सेम ही कोई हमें मिलता जुलता चीज़ें लगी हैं यहाँ पर। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छे लोग हैं कंबोडियन, गो के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर इंक्वायरी काफ़ी होती है, तो सुना है यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी भाई कोई कार्रवाई डाल गए हैं, उसकी वजह से वो हमारे जब भी दोस्त थे पहुँचे तो फौरन आप तब प्रॉपर इंटरव्यू होता है। आप समझ लें कि ये वाली जो है ना शर्मिंदगी वाली बात हमारे लिए, हमें सामना करना पड़ता है इसका। तो तमाम पाकिस्तानियों से दोस्तों से गुजारिश है कि अपने मुल्क की इज्जत की खातर गलत काम ना करें बाहर के मुल्कों में, ताकि हमारी इज्जत बरकरार रहे। जज़ाकअल्लाह।